नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि अभी हमारा जो सेशन है वो चल रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ईएल थार्नडाइक के बारे में, जिन्होंने दिया था त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं क्या है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। ईएल थार्नडाइक, थार्नडाइक का पूरा नाम था ईएल थार्नडाइक, और इन्होंने सिद्धांत दिया था त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। एग्जाम में पूछा जाता है कि ईएल थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था या त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह दिया था ईएल थार्नडाइक ने। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल ही पूछा जाता है। चलिए जानते हैं विस्तारपूर्वक। थार्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मतलब यह अमेरिका के रहने वाले थे। यह पशु वैज्ञानिक थे, ये पशुओं पर प्रयोग करते थे। अधिगम का जो सबसे पहला नियम है वो थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो यह पुस्तक जो लिखी गई है वो है ईएल थार्नडाइक ने लिखी हुई है। थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसे आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना जो है बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। यही जो सिद्धांत है वह कहलाता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब आइए जानते हैं उनका प्रयोग। उनका प्रयोग था, मतलब उन्होंने, थार्नडाइक ने प्रयोग किया था एक बिल्ली पर। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था या बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था थार्नडाइक ने। आइए जानते हैं क्या प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। थार्नडाइक ने एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे में एक बिल्ली जो बहुत ही भूखी थी उसको बंद कर दिया, और बाहर एक मरी हुई मछली रख दी गई। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट जो है खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, बिल्ली को भूख तो लग रही है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर जो है उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट क्या हो जाता है, खुल जाता है, और बिल्ली अपने लक्ष्य मतलब मृत मछली तक पहुंच जाती है। तो यह सिर्फ सिद्धांत बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ होंगी, बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी, है ना। अचानक से कोई भी काम जो है वो हम डायरेक्टली नहीं सीख पाते, त्रुटि उसमें होती है। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं तो शुरू शुरू में हम दो बार तीन बार गिरेंगे, धीरे धीरे पैडल मारना सीखेंगे, उसके बाद जो है साइकिल चलाएंगे। तो यही जो सिद्धांत है वो बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, यानी कि हम सीख जाएंगे। अब थार्नडाइक ने नियम दिए, थार्नडाइक ने दो नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम है और दूसरा है गौण नियम, प्राथमिक नियम। आइए जानते हैं अभ्यास का नियम। थार्नडाइक ने जो दिया है वो है अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को हम तभी सीखेंगे जब किसी काम को हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे हम उतना ज़्यादा सीखेंगे। अभ्यास ज़रूरी है। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, अगर हमें नहीं आ रहा है तो बार बार हम अभ्यास करेंगे तभी हम उसे सीखेंगे। तत्परता का नियम, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हमें जितने तत्पर रहेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। हमें तत्पर होना चाहिए कि हाँ मैं सीखूँगा, मुझमें सीखने की इच्छा है, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हम उतना जल्दी ही सीखेंगे। और अगर हमारे मन में निराशा आ गई है, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर कठिनाई जाती है सीखने में। प्रभाव का नियम, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, मतलब, और यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता। थार्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया है। अब दूसरा जो नियम है वो है गौण नियम, मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। मतलब अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, जैसे कोई डिश है और अगर हम उसे बनाना चाह रहे हैं तो हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए बनाने की, हाँ कि हाँ हम उसे बना सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, निगेटिव नहीं कि नहीं मुझसे ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना है, मुझसे ज़रूर होगा, मैं ज़रूर बना पाऊँगा या मैं ज़रूर बना पाऊँगी, ऐसा आपको सोचना है।
ये है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे कि हम मैथ्स का कोई जो टॉपिक है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, उसे हम समझने का प्रयास करें तो उसे छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, तो उससे क्या है कार्य जो है वो सरल हो जाता है और हम उसे जल्दी से सीख पाते हैं। आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे क्या करते हैं, स्थायी बना लेते हैं, जिससे अधिकम जो है अधिक सुगम और सरल हो जाता है। ये कहलाता है आत्मीकरण का नियम। सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि जो है वो मालूम हो जाती है। नेक्स्ट है सादृश्यता का नियम। इस नियम में अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है। ये रहा ईएल थानाडाई का त्रुटि एवं प्रयास का नियम, प्रयास का सिद्धांत। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यह जो सिद्धांत है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।